हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा की अपकमिंग बाइक यामाहा FZX के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यामाहा FZX 18 जून को लॉन्च होने जा रही है इंडियन मार्केट में। इस बाइक को दोस्तों वर्चुअली रिवील करा जाएगा 18 जून को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यामाहा FZX को परचेज करना हो तो आप इस बाइक की बुकिंग कब करवा सकते हो, क्या प्राइस आपको देना पड़ेगा इस बाइक की बुकिंग करवाने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों हम बाइक के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे ताकि आपको कोई फर्दर क्वेरी ना हो बाइक को परचेज करने के टाइम। तो अगर आप आने वाले टाइम में बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यामाहा FZX को 150 cc के इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि सेम यूज किया जाता है यामाहा FZ V3 में, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 bhp की 7250 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.3 न्यूटन मीटर का 5500 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 115 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी, जो कि काफी कम है अगर आप इस बाइक को कंपेयर करते हो बाकी सेगमेंट में आने वाली 150 cc कैटेगरी की बाइक से। और यहाँ पर XSR की तरफ देखा जाए तो वो बाइक 19 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि MT15 और R15 V3 से भी ज्यादा है। बाकी दोस्तों आने वाले टाइम में अगर ये बाइक फ्लॉप हो जाती है इंडियन मार्केट में तो XSR155 भी आ सकती है। अब ऐसे में आप इस बाइक का वेट करोगे या फिर आप FZX को ही परचेज कर लोगे, मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में। बाइक में दोस्तों आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। आपकी सेफ्टी के लिए इस बाइक में सिंगल चैनल ABS रहने वाला है। और बाइक के एडिशनल फीचर में इसमें यामाहा की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से आपको काफी सारे मोड्स मिल जाएंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बाइक रिलेटेड। और आपको बाइक में रेट्रो डिजाइन का सर्कुलर ऑल डिजिटल कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइमर, फ्यूल गेज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होने वाली है यामाहा FZX में, और ये बाइक आपको 40 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क होगा और इसके रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज कर पाओगे। बाइक के डायमेंशन की तरफ देखें तो इस बाइक का कर्ब वेट होगा 135 से 140 kg के अराउंड। 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी बाइक में, और इस बाइक की सीट हाइट होगी 800 mm की, जो कि थोड़ी दिक्कतें देने वाली है शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। और बाइक के टायर आपको सेम वही देखने को मिलेंगे जो यामाहा FZ V3 में यूज किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यामाहा FZX के लॉन्च के बारे में, एक्शन प्राइस के बारे में और ऑन रोड प्राइस के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक की बुकिंग कब स्टार्ट होगी और किस प्राइस रेंज पर आपको इस बाइक की बुकिंग देखने को मिलेगी, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बाइक को वर्चुअली लॉन्च करेगी यामाहा 18 जून को, जिसका मतलब है कि ये बाइक शोरूम में नहीं आएगी 18 जून को, इस बाइक को वर्चुअली लॉन्च करा जाएगा एक इवेंट के द्वारा। लेकिन इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस बाइक की प्री लॉन्च बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 18 जून को, जो कि दोस्तों पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें आपको दोस्तों 10,000 से 20,000 का प्राइस पे करना पड़ेगा इस बाइक को बुक करवाने के लिए। और बात करें दोस्तों बाइक के प्राइस की तो ये बाइक 110,000 से 120,000 के एक्शन प्राइस पर लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में, और इंश्योरेंस और RTO लगाकर ये बाइक आपको 130,000 से 140,000 के ऑन रोड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो यामाहा FZX के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों क्या ये बाइक इंडियन मार्केट में बाकी बाइकों के साथ स्टैंड कर पाएगी, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। बाकी आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। We'll be right back.